हम असम से आया है जनता मतलब में धरना देने के लिए, इसलिए आया है जो हमारा जो एनआरसी का जो काम किया है वो काम सही नहीं किया है। जिसका नाम अंतर्भुक्त होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जो नहीं होना चाहिए उसका हुआ है। और ये प्रॉब्लम हुआ है जो हमारा घर का किसी का सार का आया है, दो का नहीं आया है, लेकिन हमारा पिताजी का आया है, मेरा नहीं आया। अभी मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तो और ये सरकार ने बोल रहा है कि एप्टीट्यूड बिठाएगा, एप्टीट्यूड बिठाने के लिए हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कहाँ से पैसा लाएगा? और ये बात ये भी है मतलब जो एनआरसी जो काम कर क्या है जो प्रतीक्षा जिला ने वो काम सही नहीं किया है, उसका मतलब गिरफ्तार करना चाहिए। वो जितना पैसा खर्च किया है एनआरसी के नाम पे वो ऐसे ही खर्च किया है उसने। और जो हमारा बाथसारी बेड है, जिसका जो बाथसारी बेड को मतलब उन लोग सही नहीं किया है। बाथसारी बेड ओरिजिनल है, ओरिजिनल हॉस्पिटल से जो जन्म हुआ है, पैदा होने का जो मतलब बाथसारी बेड दिया है उसका वही एनआरसी में अंतर्भुक्त नहीं किया। मतलब बाप पिताजी का और बेटे का लिंग रहना चाहिए, वो लिंग मतलब बाथसारी बेड का काम सही नहीं किया है। मेरे ख्याल में ये बाथसारी बेड का जो काम नहीं किया ये गलत किया है। और एक बात है, जो औरत लोग है, औरत लोग का तो जब पहले से तो स्कूल नहीं जाता था, उन लोग का भी नाम कटा हुआ है, इसलिए कटा हुआ है उन लोग स्कूल नहीं जाता था, उनका पिताजी को भी स्कूल नहीं भेजा था, उनका माँ का उनका पिताजी के साथ कोई लिंक नहीं है। वो भी ये भी उन लोग का जो पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड में से भी लिंक है, लेकिन तो भी नहीं नाम नहीं आया है, किस लिए नाम नहीं आया? और एक बात भी यही है, जो डी वोटर है, जो डी वोटर जो वोट देता है, लेकिन उनको डी वोटर क्यों बनाया है? डी वोटर तो हमने ही बनाया नहीं ना, हम लोग वोट दिया है, लेकिन डी वोटर क्यों बनाया है? डी वोटर किसने बनाया है ये भी हमको सही है। मतलब जो जो ये जो राज्य सरकार जो आपका अमित शाह जी ने जो फाइनल लिस्ट एनआरसी का जो नाम आया था उसका उसमें उन लोग दो दिन के पहले गुवाहाटी में आया है। गुवाहाटी में आके उन लोग का हमको एक जो हमारे एससी लोग एससी ओबीसी एसटी जो लोग हैं उन लोग का हमको एक ट्यूब दिया है, बोलता है आप लोग का नागरिकता संशोधन बिल लाएगा, मतलब सिटीजनशिप बिल लाएगा, लेकिन यहाँ पे बोलता है बिल लाएगा, दूसरे जगह पे वो टायर जला के रास्ते में गंदी बदल करता है। जो यहाँ पे बोलता है एक घंटे के बाद वहाँ पे प्रतिवाद होता है, लेकिन ये क्या है, एक घंटे के बाद वह यहाँ बोलता है होगा और वहाँ पे नहीं होगा, ये कौन करता है ये सब? ये दलील है, लेकिन हमारा नौ पुरियाल है, नौ पुरियाल में चार पुरियाल के नए या पांच पुरियाल के आ गया है एनआरसी, लेकिन इसमें कोई ना कोई हरजंत्र है, इसलिए हम बोलने के आए हैं कि यहाँ पर तंत्र मंत्र में जे ये हम लोग का जो आदमी को नाम नया है उन लोग को आसानी से हम लोग को एनआरसी में नाम भरा दीजिए, हम ये कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा मेरा नाम है लेकिन मैं मिसेज का नाम नहीं, मेरे बच्चा का नाम नहीं, ये कैसे होता है? एक ही डॉक्यूमेंट्स दिया फिर भी नाम नहीं आया, ये कैसा रूल है? एक का आया और दूसरे का नहीं आया, ये तो नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं? आसाम सरकार और जितना वही जो आतंकवादी बोलने पड़ेगा, लोग का जो हम लोग का मूल निवासी के ऊपर इलीगल काम होता है वो लोग, असम सरकार भी दो नंबर है, असम सरकार के साथ जितना असम में काम करने वाले ऑफिसर एसपी डीसी जितना है सब दो नंबर है। मेरा भी डिब्यूटर बने थे, डिब्यूटर का मतलब है, और डिब्यूटर असम में क्यों है? सारे भारतवर्ष में नहीं है, ये असम भी एक भारतवर्ष का अंग है, तो असम में क्यों डिब्यूटर बना जाता है और अदर स्टेट में क्यों नहीं है? मेरा भी डिब्यूटर बने था, मैं 2014 साल में केस किया, मैं खुद ही केस किया, केस करके मुझे इंडियन सिटीजन मुझे दे दिया है, ये देखिए इंडियन सिटीजनशिप मुझे दे दिया है, इधर लिखा है मेरा नाम है धीरेन्द्र मंडल, धीरेन्द्र मंडल इज नॉट ए डिक्लेयर एज फॉरेनर, इधर दिया है फॉरेनर नहीं है, तो भी मेरा एनआरसी में अभी जो आया है अभी देखा है इधर, अभी इधर देखा है डी वोटर, फिर भी मुझे फॉरेनर बना दिया है। ये केस खेलने के लिए मैं 18 महीना लगा है, 18 महीने से ज़्यादा मेरा 60,000 का मेरा तीन आदमी का 60,000 से ज़्यादा गया है, ये 18 महीने के बाद मुझे इंटर्नशिप दिया, ये डॉक्यूमेंट्स भी मैं शो किया है, और जो कुर्ट से जो सर्टिफाइड कॉपी है, और ये 2019 में वोट दिया है, ये वोटर भी है, और ये एनआरसी में फिर भी दिखाया था कि इधर रेजेक और उसको रीजन कहते हैं डी वोटर मीन फॉरेनर, मैं क्या बार बार क्यों फॉरेनर जाऊंगा? और हम लोग फॉरेनर और एफटी कोर्ट कौन जाता है? जो कोर्ट में केस करता है, जो कोई क्रिमिनल है, कोई चोर है, अगर क्रिमिनल लोग वो लोग जाएगा, हम लोग क्या जाएंगे एफटी में? हम लोग कोई एफटी में नहीं जाएंगे, और जितना असम बसियों
19 लाख एनआरसी में नाम नहीं है, सभी को मैं कहता हूँ किसी भी एप्टीट्यूड में नहीं जाना है, क्यों जाएंगे हम लोग। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।